पवन सिंह के खिलाफ साजिश हो रही है। साजिश कैसी, चलिए बताते हैं। एक्चुअली भोजपुरी इंडस्ट्री में कुछ भी हो जाए उसे सुपरस्टारों से जोड़कर देखा जाता है। और आपको बता दें कि पवन खेसारी, निरहुआ, रितेश, अरविंद अकेला कल्लू और प्रदीप पांडे चिंटू जैसे कई कलाकार हैं जिनके साथ भोजपुरी के नए टैलेंटेड लोग काम करना चाहते हैं। और इसी में से कई टैलेंटेड लोगों के साथ कुछ बुरा हो जाता है, लाइक त्रिशाकर मधु के साथ। जी हाँ, उनका एक MMS पिछले दिनों काफ़ी वायरल हुआ जिसे लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई। और अब ये बताया जा रहा है कि त्रिशाकर मधु के सपोर्ट में आए हैं पवन सिंह। तो हम आपको ये बता दें, ये खबर पूरी तरह से फेक है। पवन सिंह किसी के सपोर्ट में अभी फ़िलहाल नहीं आए हैं। हाँ, ये बात और है कि अपने हर एक लाइव में पवन सिंह ये हमेशा कहते हैं कि भोजपुरी के लिए कुछ अच्छा कीजिए, भोजपुरी के लिए आप ऐसा काम कीजिए जिससे भोजपुरी का नाम बदनाम ना हो। ये बात और है कि पवन सिंह भोजपुरी के लिए बोलते हैं, ना कि भोजपुरी के कलाकार जो कि कुछ उल्टा सीधा काम कर रहे हैं उनके लिए बोलते हैं। वैसे पवन सिंह और त्रिशाकर मधु की कई फ़ोटोज़ वायरल हो रही हैं इन दिनों, जहां पर ये दोनों गाने की शूटिंग में नज़र आ रहे हैं या एक साथ एक फ़ोटो में नज़र आ रहे हैं या कहीं सेल्फी लेते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन हाँ, इनकी फ़ोटोज़ वायरल हो रही है और ये फ़ोटो वायरल करने का ही लोग ये मतलब निकाल रहे हैं कि पवन सिंह त्रिशाकर मधु के सपोर्ट में। लेकिन आपको बता दें कि भोजपुरी में कुछ भी गलत होता है तो उसके सपोर्ट में कभी पवन सिंह नहीं रहते, हमेशा पवन सिंह उसका विरोध ही करते हैं। और ऐसे में जब ये न्यूज़ आ रही है तो लोगों को ये लग रहा है कि पवन सिंह मधु के सपोर्ट में है। तो हम आपको बता दें, यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं है। त्रिशाकर मधु के सपोर्ट में बिल्कुल भी पवन सिंह नहीं है। गलत करने वालों के खिलाफ हमेशा पवन सिंह बोलते रहते हैं कि भोजपुरी को बदनाम ना किया जाए, क्योंकि ऑलरेडी भोजपुरी का स्तर बाकी भाषाओं के हिसाब से बहुत गिरा हुआ है। और ऐसे में अगर हमसे, जो कि भोजपुरी को रिप्रेजेंट करते हैं, उनसे कोई गलती होती है तो भोजपुरी को सभी ओछी नज़र से देखते हैं। तो आप सभी जो कि भोजपुरी में ये खबरें पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं कि पवन सिंह मधु के सपोर्ट में आए त्रिशाकर मधु के, तो आप ये सब कुछ गलत सुन रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सरासर कोरी और फेक अफवाह है।